आप तो श्री विधि से धान की खेती करने के तरीके के बारे में जानते ही हैं। आज हम महिला किसान दीदी से इसके बारे में जानते हैं और इसमें कितना लाभ होता है इसको भी समझते हैं। पिछला साल पहली बार श्री विधि से धान के खेती हम कैले रहे। सामान्य विधि के छोड़ के श्री विधि से खेती करे के लेल हम चिंतित रहे। कला कि श्री विधि में ज़्यादा मजदूर के जरूरी हो तो हम अपना खेत में एक कोना में श्री विधि से खेती करे के लेल हम निर्णय ले ली। अगर एक कट्ठा के बात कल जाए तो नर्सरी बेड लगावे में आधा दिन के केवल मजदूर खर्च बढ़ जाए। रोपाई में एक दिन के और कवनी में आधा दिन के मजदूर खर्च कम हो जाए। कुल मिला के सामान्य विधि के बदले श्री विधि में एक दिन के मजदूर खर्च बढ़ जाए। ऐसे हमारा कट्ठा में 50 किलो धान हमारा बढ़ जाइए। जेकरा हम 10 रुपया किलो से जोड़े छी तो हमारा 500 रुपया फायदा होइए। ए नफा के चलते श्री विधि में एक दिन के लेबर खर्च बढ़ावे के लेल तैयार हती। जब हम श्री विधि से खेती करे लगली तो लागल कि समान विधि से अलग ना है। जानकारी देवे में भी आर भी बड़ा मददगार हतन। हमारा समान विधि के मुकाबला श्री विधि में ज़्यादा उपज प्राप्त है। ए साल फेन हम श्री विधि से खेती करम दोसर के भी करे के लेल हम प्रोत्साहित करम।